गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह नहीं, सुबह सोए 7-8 बजे थे, अब 3 बजे 8 बजे 3 बज रहे हैं हम लोग उठे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे सोए नहीं, मेहमान आए हुए हैं तो बस इधर आप सब ठीक होंगे। हाँ, ये मैंने पूछ लिया है तो क्या कहते हैं, मेहमान आए हुए, मम्मा लोग आए हुए, तो मेहमान आए हुए, मम्मा लोग आए, अलग अलग आए, तो घूमने फिरने में बहुत टाइम हो गया, तो हम लोग 2 दिन से सोए नहीं हैं, तो आज हम लोग 3 बजे सब उठे, थोड़ी देर पहले उठे हैं, तब सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, तो अब हम लोग जाएंगे पुक्के के घर पे, हमारा डिनर है, तो बस हम लोग रेडी होने लगे, फिर हम लोग पुप्पो के घर जाएंगे, बाजी लोगों के घर जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रूटीन ईस्टर वाले दिन की, और अभी हम लोग रेडी हो के आप लोग अच्छा लग रहा है, यश को दिखाती हूँ। यश देखो, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी हील पहननी है, वाइट पहनूँ, वाइट तो पुरानी मेरी, ये लेके आई हूँ मैं इसके साथ, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है, वाइट मैच नहीं हो रही, ये वाली पहनूँ, तो मैं पहन के देखती हूँ कौन सी अच्छी है। बगल खाना तो हम लोग अभी पप्पू के घर में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल रेडी और बहुत ज़्यादा तैयार हैं, हमारे नेल्स भी लगाए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरी और इसमें मुझे मेकअप की ज़रूरत है, तो अभी हम लोग जाएंगे पप्पू के घर पे, तो आप ईद का सब ठीक है, ईद का दिन है, हैप्पी ईस्टर सबको, फिर से एक दफ़ा यश पेट्रोल के लिए हम लोग रुके हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था पप्पू के घर पे आए और बहुत लेट हो गए थे, तो पप्पू ने आते ही हमें खाना खाओ घर पे जाओ, अब देख नहीं बोला उन्होंने, तो आते ही पप्पू ने दिया मतलब खाना खा के घर जाओ, पप्पू ने बोला ये आपकी सजा, आप लेट आए हो, खाना खाओ और फौरन से घर के लिए रवाना, आपकी ये है क्या सजा है, चलो सुनाना दुआ था, तो हम लोग खाना खाएंगे, तो फिर आपसे बात करते हैं। रात के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, एक्चुअली हमारा अचानक प्लान बन गया, इनको सी ऑफ करने जा रहे थे, तो मेरा और यश का प्लान बन गया कि हम लोग भी हैदराबाद जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं और 4 बज रहे हैं, सहरी का भी टाइम हो गया, हाँ रोज़ा भी रख लिया, माइलो भी मेरे साथ जा रही है, और माइलो बहुत तंग आ रही है, चाह रही है कि मैं घर वापस छोड़ आऊँ, और मैं छोड़ भी आऊँगी वापस, मुझे तंग किया तो, इसके घर पे रहे तो बहुत खुशी होती है, और अगर इसे छोड़ घर पे छोड़ा है तो बहुत तंग होती है, इसको साथ ले आए तब भी ये तंग होती है, इसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नाम की ज़िंदगी, सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है इसकी ज़िंदगी, अब हम वेट कर रहे हैं कि हैदराबाद कब पहुँचे, ईस्टर डिनर भी हो गया, सब ने दावत भी रख ली, हमने खा ली, अब हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, 3-4 दिन से तो सो ही नहीं, यश भी नहीं सो रहे, बहुत थकन हो रही है, यश ही कब तक पहुँचेंगे, मैं थक रही हूँ, तो सफर शुरू हो गया, फिर भी अंदाजन कितने बजे तक पहुँच जाएंगे,
बजे पहुँचेंगे और मुझे इतनी नींद आ रही है लेकिन माइलो सोने नहीं दे रही मुझे। पूरी दुनिया को नींद आ जाएगी लेकिन इस औरत को नींद नहीं आती, जाग रही है, तंग कर रही है मुझे। माइलो सो जा थोड़ी देर, 2 घंटे के लिए बस सो जा। माइलो ने कौन सा सोना है, माइलो को बस यही है कि साथ लेके जाओगे तो तंग करूँगी, घर छोड़े के तब भी तंग ही करूँगी। इसने बचपन से यही सीखा है कि सिर्फ तंग ही करना है सब। बहरिया टाउन, इसका नाम बहरिया टाउन नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना था महंगा टाउन। अच्छा वैसे यश, ये बहरिया टाउन में मज़ा तो नहीं आता, पता नहीं क्यों लोग घर ले लेते हैं यहाँ पे, हैं पता नहीं क्यों लेते हैं, पूछना पड़ेगा। लाइट चलाना है, मैं कह रही हूँ दिन से बने सारा दिन ड्राइविंग कर बेचारे, बहुत थक गए और बिना सोए कर रहे हैं, बहुत एक्टिव ड्राइवर है हमारा। और क्यूट भी, स्माइल प्लीज। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से सुबह हो गई है, आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सुबह हो गई और आप मौसम चेक कर सकते हैं, लग रहा है जन्नत में आ गए हम लोग, जन्नत में गाड़ियां चल रही है। यश आप जन्नत में ड्राइविंग कर रहे हो ऐसे लग रहे थे। देख नहीं, ये वाला व्यू बहुत जबरदस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है पेंट किया हुआ है ना यश, क्या ये क्या होता है ऊपर वाले ने पेंट, वो तो पता है। तंग आ गया बैठ बैठ, मेरा तो सोने का भी दिल नहीं कर रहा, सो गई एक दफा तो फिर नींद खराब हो जाए, इसलिए मैं जाग रही हूँ, एक वहाँ जाके यश ने कहा है चश्मा देख के व्यू देखो तो ज़्यादा अच्छा, चश्मा देख के व्यू देख आपको नजर आ रहा है आपके लिए अच्छा लग रहा है, हम दोनों वो तो नहीं लग रहे रास्ता दिखाने वाले। ले
सोफिया को लो यार। सोफिया के सोफिया के बच्चों को दे दें, किसी को नहीं लिया, सिर्फ अपना ही मुंह निकाल। बहुत हमी मेरा दिल कर रहा है क्या प्लेट यार, क्या प्लेट फाइनली फाइनली 6:30 बज गए और हम लोग हैदराबाद के टॉल प्लाजा पे आ गए। वैसे टॉल तो अजीब ही लगता है। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं दामन तला शिकारो, हमें जल्दी जल्दी गैस ने पहुँचा दो। यश ने थका दिया वो यश ने थकाया था यश ने जल्दी पहुंचाया था। सूरज भाई साहब भी निकल आए, देख सकते हैं दरिया सिंध आ चुका है और बहुत प्यारा लगता है मुझे। इधर से पानी तो उस तरफ है, पानी है ही नहीं है यश, पानी का सूखा हुआ है सारा, बारिश हो रहा है। ओ वाओ, वो ऐसे लग रहा है बर्फ है सारी, है ना यश? वाइट वाइट लग रही है, दूर से बर्फ ही लग रही है। नहीं आई हो क्या? नहीं, दूर से वीडियो में लग रहा है। ऐसा लग रहा है मरी में आए हुए हम लोग। मरी में नहीं, और कौन सी जगह होती है जहाँ पे बर्फ होती है? पुणे, हंडियाला। ब्लॉगर जो होते हैं हर बात को बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते, क्योंकि वो ब्लॉगर्स होते हैं, उनका काम यही होता है। लेकिन मैं अभी छोटी ब्लॉगर, कितना प्यारा लग रहा है, ये भी बहुत गहरा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो नक्शा बना हुआ है अंदर। याद है जब हम छोटे वॉक करते थे जाते अच्छा जो कोपड़े क्या छोटे होते हम जाते थे, बड़ी शरारत करता। हम लोग पहुंच गए हैदराबाद, तो
देख सकते हैं आप हैदराबाद, हैदराबाद देख सकते हैं कितना प्यारा है और साफ सुथरा और पीसफुल। ये कराची की ट्रैफिक में आप होते तो इसी टाइम फंस जाते, फिर शाम ही हो जाती, सुबह 6 बजे भी आप ट्रैफिक में फंस जाते। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि कराची की कराची की सड़कें फ्री हों। जिस टाइम भी आप निकलोगे ना वहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाओगे। अच्छा, ये देखें, ये चेक करेंगे यहाँ पे कितना सुकून है। तो जिसको यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते, जो आप यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है चाहती हो तो वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा और पीसफुल इन्वायरमेंट है। देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे छोटा सा आगा खान हॉस्पिटल भी है। हाँ, ये आगा खान है, ये कराची वाले आगा खान हॉस्पिटल का बेटा है। अगर हम कराची में होते ना तो चांद भाई से पहले भी अगर निकलते सूरज भाई से, हाँ, पर पहुंचना हमने चांद मामू के साथ। ये इस बात की वो है, वो खासियत कह लो। देखो हैदराबाद में ये आउटफिटर्स की आउटलेट भी है, KFC भी है, लोगों को दिखाओ कुछ है यहाँ पे, गांव थोड़ी तो दिखाओ लोगों को KFC आउटफिटर्स। हाँ, अच्छा जी, तो क्या आपको दुनिया भर से लोग देख अच्छे रहे हैं, बैंक पे भी हैं और दूध वाले भी हैं, दूध भी मिलता है। जो भी लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, मैं सच में कहूँगी बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ट्रैफिक नहीं होती, और फैमिली पार्क भी है यहाँ पे। दिखाओ आप दोनों बेकार ब्लॉगर हैं। मेरी छोटी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी, वो कह रही है अच्छी ब्लॉगर नहीं है। तुम यार आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि मैं अच्छी ब्लॉगर नहीं हूँ क्या, कमेंट ऑफ सच बताइए। यार पता है क्या, मैं सीख रही हूँ ना, मुझे अभी चीज़ों का नहीं इतना पता यार। मैं तो यही बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को, यही कहूँगी मुझे इग्नोर कर, वो बताना मुझे इग्नोर किया करो। देखो वो कैसे प्यार किया है, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा व्यू लेना है कौन सा नहीं लेना। तीन घंटे से वो दिखा रही है बादल बैठा जानी बार बार कहती है ये हमारा व्यू दे सकते हैं और फ्रंट कैमरा खोल लेती बैठा जानी ज्यादा फ्री नहीं हूँ। आप 4 बजे से फ्री हो रही हो हमारे साथ, जब से सफर स्टार्ट हुआ है। मैं इसको दिखा नहीं सकती, वरना मैं आपको दिखाती इसको। क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप, छोटे मोटे लोग नहीं लेते अपने लोग। हाँ, तो अब मैं घर जाके आपसे बात करूँ, मुझे लग रहा है मेरी ज्यादा और भी यूं दिखाओ बहुत ज्यादा कचरा भी है।